फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं बना रही हूँ करेले का जूस। ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसका छिलटा नहीं निकाल रही हूँ मैं, पील सिर्फ काट के लूँगी बारीक बारीक। आपके पास जूसर है तो आप जूसर से भी बना सकते हो। अच्छे से धो के ली हूँ पहले करेले को। करेले के जूस के बहुत फ़ायदे हैं वेट लॉस में, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है करेले का जूस। अगर करेले का जूस अगर ले रहे हैं डायबिटीज पेशेंट वाले, तो प्लीज़ अपनी डायबिटीज चेक करना, इससे कम भी हो सकता है। कुछ भी अपने डाइट में कम कर रहे हो तो देखिए इस तरह से करेले काट के ले रही हूँ मैं। इसका छिलटा नहीं निकाली हूँ मैं फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे हमें मिलेगा सब रस। आप चाहे तो जूसर में भी निकाल सकते हो, मेरे पास जूसर नहीं है। ये सुबह सुबह लेना होता है मॉर्निंग में खाली पेट एकदम। और एक टमाटर उसके साथ, अगर आपको टमाटर नहीं चाहिए तो आप स्किप कर दीजिए। इसके पिंच को निकाल ले रही हूँ मैं, ये देखिए। तो और ज़्यादा कड़वा लगेगा। करेले का जूस बहुत अच्छा होता है, बट बहुत कड़वा रहता है। आप सोचोगे क्या बोल रही हूँ मैं, बट ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए, खून के लिए, खून साफ करने के लिए। जिनकी भी स्किन का प्रॉब्लम है, पिंपल्स वगैरह, एक्ने, पिंपल्स, तो ये आप लेंगे रेगुलर डाइट में तो आपको पता चलेगा, आपकी स्किन में अलग से फ़र्क मालूम पड़ेगा। और भी बहुत फ़ायदे हैं इसको, ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट को बहुत फ़ायदा है। अगर डायबिटीज पेशेंट ले रहे हैं तो अपना ये लेने से पता चलेगा डायबिटीज़ कम हो रही है क्या हो रही है, तो आप अपना चेक करना रेगुलर। और करेले के बहुत फ़ायदे हैं बहुत सारे, खून साफ करने में बहुत अच्छा है। और कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी झट से आपको पता चल जाएगा, जब आप जूस लेना स्टार्ट करोगे तो कॉन्स्टिपेशन है तो निकल जाएगा पूरा, कितना भी पुराना रहने दो। लेकिन ये बहुत कड़वा है, बट आप हिम्मत करके पी लेना। जैसे आप बाकी के चीज़ें पी लेते हैं उसी तरह से समझिए कि आप वोडका पे रहे हो। वोडका, वोडका शॉट लीजिए मॉर्निंग में एक। तो ये देखिए इस तरह से करेला मैं साफ करके दूंगी। अभी टमाटर डालेंगे हम इसमें। मैं हाथ से डाल काट रही हूँ, आप चाहे तो आपको जैसे समझ में आएगा आप काटिए। यहाँ पे ली हूँ मैं मिक्सी जार। अगर आपके पास कोई जूसर है तो बहुत अच्छा है करेले का जूस निकालने, बट मेरे पास नहीं है इसलिए मैं एक ही ले रही हूँ। इसी में बना के छान लूँगी मैं। तो यहाँ पे दो करेला, एक टमाटर, तो अभी हम बनाएंगे इसको। डालूंगी मैं जार में पानी, ये देखिए एक कप भी नहीं, आधा है। पानी डाल दी हूँ मैं। अब इस
इसको पीस लेती हूँ मैं। अगर आपके पास किसनी रहेगी तो उस पर भी आप ग्रेट कर सकते हो, फिर कपड़े में आप छान सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, बट वो सब बहुत झंझट है। इससे अच्छा है आप इस तरह से जूस बनाइए, सेम मिलेगा वैसे ही। बहुत इस तरह से मैं एक छन्नी ली हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप लीजिए। अगर आपके पास मिक्सर है जूस निकालने का बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक बर्तन ली हूँ मैं करेले का जूस, देखिए रेडी हो गया, आप देख सकते हैं छान के दिखा देते हैं। जैसे आप एक वोडका लेते हो शॉट, टकीला शॉट कभी बहुत बार पिए होंगे आप, तो वो तो बहुत खतरनाक होता है, उससे तो ये खतरनाक नहीं है, वो तो लॉस करेगा, बट इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो प्लीज़ आपको अपने डाइट में शामिल कीजिए। कड़वा है समझ के सोचिए, इस तरह से चम्मच लेके जो भी बचा है निकाल लेंगे हम। एवरीडे मॉर्निंग पीना है आपको एक खाली पेट, अर्ली मॉर्निंग, फिर एक घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करना होगा आपका। और जो भी आप खाते हो हेल्दी, जो भी मिल आपको जैसे खाना है खाइए, बट जंक फूड अवॉइड कीजिए, और इससे आराम से आपका वेट भी लॉस हो जाएगा। और इसके बहुत फायदे हैं, खून साफ होगा, स्किन ग्लो होगी। अगर डायबिटीज़ पेशेंट है तो डायबिटीज़ के लिए तो अमृत के जैसा काम करेगा ये, इसे हर कोई ले सकते हैं। ज़्यादा जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स, एक्ने, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग जब हमारी स्किन बहुत, अगर आप रेगुलर जस्ट इतना सा लेंगे बस, लाइक उटका का आप गिलास देखे होंगे, टकीला शॉट जो बोलते हैं, वैसे अगर आप लेंगे एक घुट ले तो बस है। जैसे रामदेव बाबा बोलते हैं ना कि एक घुट एलोवेरा ले लो सब ठीक हो जाएगा, ये भी ऐसे ही है। ये तो बहुत अच्छा है सब में, क्या सिर्फ कड़वा है। तो आप ना नाक बंद करिए और गटक करके पी लीजिए, अभी मैं पी लूँगी। ये देखिए इस तरह से निकाल ली हूँ मैं, अब इसको हम फेंक देंगे, ठीक है।
पूरा निकाल लिया मैं। अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोग को, देखिए कितना अच्छा हमारा करेले का जूस बन के रेडी है। ये देखिए, ये देखिए, इतना पीना है बस आपको मॉर्निंग में। ये मैं दो जनों के लिए बनाई हूँ, यहाँ पे भी है, ये मैं भी पीऊँगी यहाँ पे। थोड़ा जगह छोटी है मेरी किचन की, तो ये भी एक कप है। ये देखिए अभी हम पी लेंगे बस दोनों को सेम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, करेला जूस रेडी हो गया। बहुत इजी भी है बनाना, बट बहुत बहुत कड़वा है सच में। लेकिन करेला तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं शौक से पी लेती हूँ। और मुझे कड़वे चीज़ ही ज़्यादा पसंद है, मुझे मीठा इतना पसंद नहीं। तो मुझे बहुत आसान है पीने के लिए, बट आपको जिनको भी मुश्किल है तो प्लीज़ मत जाइए कड़वा है समझ के। जैसे आप दूसरे चीज़ें पीते हो लाइक कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, बहुत सारी चीज़ें गट गट पी लेते हैं हम, और उसके बहुत नुकसान होते हैं। कुछ फ़ायदा तो नहीं होता, लॉस होता है। बट करेला कड़वा है, बट इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप रेगुलर मॉर्निंग में लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा हो रहा है आपको। इतना मतलब लाइक एक एक अमृत के जैसा है ये, बहुत बहुत अच्छा है करेला हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए, खास करके डायबिटीज़ के लिए। और जिनको भी बहुत दिन से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो लोग तो ज़रूर लीजिए, मॉर्निंग में एवरीडे लीजिए। आपको पता चल जाएगा, जितना भी पुराना पुराना होगा तो आपको पता चल जाएगा ये लेने से। बस थोड़ा सा कड़वा है, घट घट मार दीजिए बस। अभी मैं पी ले रही हूँ। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और करेले के बहुत सारे फ़ायदे उठाइए, अच्छे वाले फ़ायदे हैं इसमें। कोई भी लॉस नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी हानिकर नहीं है, और ये आयुर्वेदिक में सदियों से चलते आया है। तो प्लीज़ अपने डाइट में शामिल कीजिए। तो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। ये मॉर्निंग में अभी मैं, अभी 6 बज रहे हैं सुबह के मॉर्निंग, तो ये मुझे लेना होता है 6:30 बजे या 7 बजे। तो आपके हिसाब से आप लीजिए, बट 1 घंटे पहले आपको लेना है, ब्रेकफास्ट से 1 घंटा पहला। बट आप जितना अर्ली मॉर्निंग मिलेंगे इसके बहुत आपको फ़ायदे देखने मिलेंगे। इसके साथ साथ जंक फूड को अवॉइड कीजिए, हेल्दी खाइए। अगर डायबिटीज़ है किसी को तो प्लीज़ आप ऐड कीजिए अपने डाइट में, बहुत फ़ायदा देगा। बट अगर आप ले रहे हो डायबिटीज़ पेशेंट करेला जूस, तो प्लीज़ अपना रेगुलर चेक करके ही लेते रहना, क्योंकि कितना कम हो रहा, क्या हो रहा, आपको बराबर से पता चलेगा। तो और भी बहुत फ़ायदे हैं स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए, और बना के भी दिखाई में बहुत आसान है करेला जूस बनाना। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मैं पी लेती हूँ अभी।